अस्सलामुअलैकुम भाई यार, कैसे हैं? खैरियत से हैं? टिक टाक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुश रहे, खुशांदीद हमारे न्यू ब्लॉग में। देखें, मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कैमर के लाइव से, जो लोग जो ना एजेंट के थ्रू पर जो ना फेक वीज़े बेचते हैं, लोगों को लूटते हैं ना, तो उन लोगों ने मेरे को कमेंट किया क्योंकि मैंने उसको अप्लाई करवाया था बहुत पहले, तो उन लोगों ने मेरे से पैसे वैसे लिए और मतलब डिमांड की थी उसके, तो उन लोगों ने मेरे को अभी मैसेज किया, कॉल किया व्हाट्सअप पे, बोल रहे हैं कि भाई आप ये वीडियो डिलीट कर दें। मैंने बोला कौन सी वीडियो, बोला जो आपने हमारी कंपनी का नाम डाला हुआ है उसको डिलीट कर दो यूट्यूब से। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मेरे को अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ, आप जो भी करो करो, मैं तो करता रहूँगा जब तक मेरा अंदर दम रहेगा, तो मैं करता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई साहब इन लोगों से बचें, ये बड़े बड़े स्कैमर हैं, ये लोगों को लूटते हैं और मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। जो भी आएगा सामने कमेंट करे किसी कंपनी का, आप किसी के साथ जुल्म किया है, किसी ने आपको लूटा है, मुझे कमेंट किया उसका नाम मेंशन करे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्रूफ के साथ, किसी ने आपके साथ धोखा किया है प्रूफ के साथ, तो मेरे को बताएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं उनको सरेआम जो ना वीडियो पे सरेआम शो करूंगा क्योंकि काफ़ी लोग जिन्होंने बच जाएंगे, तो ये मेरा मिशन है और मैं करता रहेगा इंशाल्लाह। डोंट वरी, जो करना है करो, जो करना है उगाड़े। जी भाई साहब देखें आज क्या हुआ, आज जो ना मैंने जब पानी चेक किया तो पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला क्या मसला है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इधर इसकी टंकी किधर है इस घर का, तो मैंने चेक किया लेकिन मुझे नहीं मिला, लगता है शायद ऊपर हो, तो मैं अभी चेक करता हूँ कि ये पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसला क्या है, मोटर ख़राब हो गया है कि पानी के टंकी के अंदर पानी नहीं है। देखें, चेक कराते हैं, देखें आ ही नहीं रहा पानी, पता नहीं क्या मसला है, मैंने सब जगह में चेक किया लेकिन नहीं आ रहा। ये है हम वेल द बेस्ट, ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि शायद टंकी इसकी कहाँ पर है, मुझे नहीं पता टंकी इसकी कहाँ है, कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा, किचन है शहर में भी नहीं है। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं, शायद ऊपर टंकी हो, लाजमी टंकी तो होनी चाहिए क्योंकि यार इतना बड़ा घर है, इसके अंदर जो ना मिलेगा पानी तो लाजमी होगा, अंधेरा है। ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे आए सही है, और ये अल्लाह भला करे, और ये लास्ट फ्लोर सही है। चेक करते हैं भाई पानी किधर से नहीं आ रहा है, मसला क्या है, इधर लॉक लगा है क्या, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया। बिस्मिल्लाह, बंद ना हो जाए, वरना बंद हो गया तो मैं अकेले रह जाएगा इधर, क्योंकि कोई आई नहीं तो कौन जो ना गेट खोलेगा मेरे लिए। अब इससे ऊपर भी एक फ्लोर है यार, यह क्या ज़बरदस्त जगह है, इधर मैं पहली दफ़ा आया भाई साहब। ये छत अरबी में इसको बोलते हैं सत्तू, देखें ये इधर तो नहीं है, ऊपर है ऊपर, हाँ ऊपर चलना पड़ेगा भाई साहब। बिस्मिल्लाह, अरे बाप रे, तो बहुत ऊंचा हो गया, अल्लाह खैर करे। ये टंकी लगता है, यही टंकी है भाई साहब, ये टंकी है, मुझे ये टंकी लगती है। देख ऊपर से व्यू देख कितना प्यारा लग रहा है यार, ज़बरदस्त, सांस खुल गया भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते, क्या होगा जवानी में यार। ये है बिल्डिंग और यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, ये टंकी है यार, पानी तो है इसके अंदर, ऊपर चढ़ता हूँ, मोबाइल ना गिर जाए इसके अंदर, पानी तो है भाई साहब, क्या मसला क्या है यार, प्रॉब्लम क्या है भाई साहब। देखिए व्यू देखे, प्यारे प्यारे व्यू, बाहर ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त जी भाई, ऊपर तो चढ़ गए हैं लेकिन अभी उतरने का रास्ता किधर है, वही वो तो घर दिख रहा है किसी का, उधर मत जाओ, बुरी बात भाई साहब, बुरी बात। देखें नीचे उतरते हैं, बिस्मिल्लाह, टंकी तो पानी है, फिर मसला क्या है भाई साहब, मसला मेरे को लगता है कि मोटर ख़राब है, ऊपर वाला जो चढ़ाते हैं ना पानी, वो शायद ख़राब हो, फिर मेरे को वही लगता है, क्योंकि ये क्या यार, ये चेक करूँ, ये तो मैंने नहीं देखा,
भाई ये क्या है इसके अंदर? हाँ ये लगता है ये हाउसमैन का होता है ना, शकाला का रूम होता है, जो नौकरानी होती है ना उनके पीछे। पता नहीं कब से मिट्टी देखे क्या आ रहा है इसका, पता नहीं कितने साल से जो ना ये खाली पड़ा हुआ है यार। मेरे तो इस घर के अंदर एक साल हो गए, पता नहीं इसके अंदर कौन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई साहब अभी किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा मोटर ठीक कराने के लिए, तब जाके पता चलेगा। वरना अगर ये गेट बंद हो गया ना खुदा ना खास्ता फिर खुलेगा, चाबी मेरे पास नहीं इसकी। तो भाई साहब मसला क्या है, मसला ये है कि भाई जी भाई ये मेरा साला उसको बोलते हैं आदमी में, ये गेट है और ये अल्लाह वाला करे यहाँ पर मोटर हो सकता है कि या नहीं। ठीक है भाई साहब, बिल्ली का बच्चा इतना दूर बैठा हुआ है, नज़दीक ही है। अच्छा देखिए स्विमिंग पूल है, ये मैंने ऑर्डर किए थे तेमू पे, तेमू जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत सस्ता सामान मिलता है, तो मैंने ऑर्डर किया, यानी उसने बताया कि भाई एक ऑर्डर करोगे तो दो आपको फ्री मिलेगा, यानी कि वन बाई टू फ्री। तो ये वॉच है स्मार्ट वॉच, इसको चेक करते हैं इसके अंदर, यानी कि जिस रेट में उन्होंने दिया मेरे को तो उसमें फ़ायदा है कि नहीं। अभी इसने तीन मेरे को रिसीव हुए तीन ऑर्डर, तो अब इसकी क्वालिटी देखें MW4 Pro सही है। और इसके ऊपर कीमत भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, 96 रियालिस के ऊपर लिखा हुआ है। और ये मेरे को दो एक्स्ट्रा मिल गए, एक लिया दो एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब इसको ओपन करते हैं कि भाई इसके अंदर जो ना कैसा मतलब वो है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब बस स्मार्ट वाला है कि ये नॉर्मल वाला है, क्योंकि आजकल जो ना सही ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, तो इस वजह से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे बच्चों दो के एक के साथ दो फ्री मिल रहे हैं, तो मेरे वो ट्राई कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है ऐसे चीज़ हमको मिले ना। और डब्बा भी इसका आईफोन की तरह बनाया हुआ है, कैसे यूँ खुलेगा, हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त VIP यार, सही है यार, देखें अच्छा है। कितने उसके साथ बेल्ट देखें, एक दो दो बेल्ट ये हैं, एक ये वाला है, एक रेड में, एक ये ऑरेंज कलर का है सही है। और ये क्या, ये चार्जर है इसका, और ये जो ना वाइट बेड इसका, और ये जो ना ये वॉच है यार, वज़न भी काफ़ी है इसका यार, सही है वज़न है, यानी कि अच्छा है क्वालिटी यार ज़बरदस्त। तो ये दो मैंने एक ऑर्डर किए थे, दो उसके साथ फ्री आ गए भाई साहब, तो ये जो ना अच्छा है यार। इसके साथ ये ब्लैक वाला लगाता हूँ कि भाई कैसा है, अच्छा यूँ लगता है इसके अंदर, देखें तो जा ही नहीं इसके अंदर, चार्ज नहीं लगता है। ये है वॉच स्मार्ट वॉच, ज़बरदस्त। दो डब्बे हैं उसको नहीं खोलता, एक खोल दिए सही है, बाकी वही होगा जो इसमें है वही होगा उसके अंदर। जी भाई साहब देखें, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता, इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ बन जाता है इंसान को। देखें सबसे पहले मैं रियाद के अंदर काम करता रहा, लेकिन मुझे जद्दा बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ पर करीब था मक्का और मदीना। तो कभी कभार ये कि हम लोग जब रियाद से जाते थे मक्का, तो दूर पड़ जाता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर था रियाद से मक्का। तो यहाँ से करीब है जद्दा शहर से करीब 75 किलोमीटर है मक्का। महीने में एक बार लादमी चले जाते हैं उम्रे पे अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए। और दूसरी बात ये, अगर किसी को काम चाहिए ना ऑनलाइन सर्च करें एक्सपर्ट जॉब लिखें तो आपको काम मिल जाएगा। मेरे को इसी तरह काम मिला था
एक्सपर्ट जॉब सऊदी सऊदी अरब में किसी जगह पर आप वो उसी जगह का नाम लिखें, यानी कि रियाद में हो तो रियाद का, जद्दा का जद्दा का, तो आपको काम मिल जाएगा बहुत आसानी से। एक्सपर्ट जॉब लेके आपको काम मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी के लिए, बाहर आउट ऑफ कंट्रियों के लिए नहीं है ये जॉब, सिर्फ़ और सिर्फ सऊदियों के लिए। आप उसमें सर्च करें ड्राइवर जॉब, कुछ भी जॉब सर्च करें, आपको आसानी से मिल जाएगा मेरे भाई साहब। स्पेलिंग EXPAT। देखिए भाई साहब, ये देखिए हमारा गाड़ी का जो टायर जो है सब जो है डिफरेंट हो गया, यानी कि राइट साइड में जो 38 दिखा रहा है और लेफ्ट साइड में 33 दिखा रहा है, और पिछले टायर जो है 32 32, यानी पिछले दो बराबर है, लेकिन आगे का जो है ना ये मैं 35 35 रखता हूँ। तो अभी इसको अब वहाँ पे चलते हैं, उसको चेक करते हैं कि मसला क्यों, क्योंकि इससे रोड की ग्रिप जो नहीं पकड़ता है गाड़ी का, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। सलाम अलैकुम, के हाल है, किसी खबर सही माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो वन तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह बिन शो हां माशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह सलाम जिंदाबाद। देखो भाई साहब की अरबी चेक करें कैसा है, आधा हुआ मुश्किल है वल्लाह मार, ये वाइट कंप्यूटर आती है वाइट कवर भी का मिस्त्रियों के सामने मत नाचने वरना तुम्हारा पुर्जे पुर्जे कर देंगे। यार क्योंकि टायर मैंने चेंज करवाए थे लगभग 6 महीने हो गया, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्यों यार कंपनी सही नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या मसला क्या है। ये बड़े अच्छे इंसान है यार, सारा मैं गाड़ी का मिजान बिल्कुल टाइट रखता हूँ, क्योंकि यार मैं लॉन्ग पे भी चलता हूँ, कभी दूर जाता हूँ, क्योंकि स्पीड भी करता हूँ, तो इस वजह से टायर को हमेशा दिन टाइट रखना है। गाड़ी का मेन चीज़ है टायर और इंजन, ये टाइट रहेगा ना तो तुम्हारा सब कुछ सही रहेगा। ये इनका शॉप है भाई साहब। हाँ अयो सर बोला माशाल्लाह, बोला चुप आना ही सर और वो सर। देखो भाई साहब ये कैमरे देखे यार, इंसानों की तरह कैमरा है, जैसे मैं जा रहा हूँ ना उधर से मूव कर रहा है, देखो रेड आ गया। क्या बात है भाई साहब, क्या जमाना आ गया।